नमस्कार, मैं हूँ विमला। विमला की दुनिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, और आपकी दुआओं से हम सब यहाँ पे ठीक हैं। तो पिछले दिनों हमने वर्षगांठ मनाई थी अपनी शादी की, तो उसका वीडियो मैं आज के ब्लॉग में डालना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ हमारी शादी की सालगिरह का वीडियो। तो जी, इतने साल शादी के बाद वर्षगांठ मनाना बड़ा अजीब सा लगा कि कभी शुरू में तो कभी मनाई नहीं है, और कभी मेरा कभी विश्वास नहीं था ये शादी की सालगिरह मनाना या जन्मदिन मनाना। बच्चों का तो मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना कभी नहीं मनाया। और अब की बार क्या था कि भाई छुट्टियों में, गर्मियों में बच्चे आए हुए थे, लव लव की मिसेज खुशबू आई हुई थी, विक्की था, विशाल जो एडवोकेट है, और फिर ये सब आए हुए थे। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी आज शादी की सालगिरह है कि नहीं है। तो क्या था कि जो मेरी छोटी बहू है ना, ममता को पता था और विक्की को भी पता था, पर मेरे से नहीं उन्होंने कुछ भी बोला, और छुपके छुपके करके कब केक मंगा लिया, कब अपना इंतज़ाम कर दिया सारा कुछ मनाने का। और मतलब हम तो दोपहर के अंदर सो गए थे गर्मी में, और वो पता नहीं बार बार क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे, तैयारी करते रहे। मुझे थोड़ा यूँ था अभी पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, पर मेरे को ये थोड़ी पता था अभी मेरी आज शादी की सालगिरह है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी तैयारी की, और हमें जब बताया कि भाई आ जाओ आप, हमने कहा कहाँ, इतने आओ तो सही कमरे में देखा तो कमरे को पूरा सजा रखा था, और मेज भी लगा रखी थी, केक मंगा रखा था। तो ऐसे देख के ना बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि आज आपकी शादी की सालगिरह, मैंने कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो भाई क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने ना पूरी मेज सजा करके, और उस पे शराब की बोतल रख रखी थी, वो शराब पता किस चीज़ की थी। उन्होंने क्या किया कि भाई मेरी बहू ने जो चाय पत्ती होती है उसको उबाल करके और ठंडा करके बोतल में भर दी, वो बना दी उसने विस्की या जो भी है। मतलब मैं तो धंधन सतगुरु हूँ, तो मुझे देख के बड़ा अजीब लगा, कहते मम्मी घबराओ मत, ये चाय पत्ती है, चाय का पानी है। उनका अच्छा, उसने बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया। वो देख के भाई बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश हुए भी बच्चे देखो मतलब कितनी भावना की कदर करते हैं भी। ये तो बेचारे अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं या जी रहे हैं, पर हम सब ये करते हैं तो आज इनका भी करें। आज मतलब उस ज़िंदगी के पड़ाव पे, उस उम्र के पड़ाव पे एक ऐसी चीज़ देखना बड़ा अच्छा लगा दिल को। तो भाई ये वीडियो था जो हमारा बच्चों ने बनाया पिछले दिनों, अब नहीं पिछले दिनों। तो मैं अब ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं आपसे सब कुछ साझा कर रही हूँ घर के बारे में,
एक ब्लॉगर होता है जो एक ब्लॉग बनाने वाला होता है या ब्लॉग के अंदर वो क्या क्या करता है, कोई वो फिल्म स्टार तो है नहीं, वो अपने ही घर की सारी बातें बताता है, आपसे शेयर करता है, अपने दुख सुख साझा करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि भाई मैंने अभी अभी नया नया ब्लॉग बनाना शुरू किया है, और क्या कहते हैं कि भाई ब्लॉग बनाने का शौक़ था, इसके आगे पीछे क्या होना वो मेरे को नहीं पता था ज़्यादा। अब क्या है कि भाई उसको सब्सक्राइब भी करना है, उसको लाइक शेयर करना है, वीडियो को एंड तक देखना भी है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो एंड शुरू से लेके एंड तक देखें, लाइक एंड शेयर करें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग मेरी शादी की सालगिरह का, उम्मीद आई होंगी आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखें। शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगले ब्लॉग में और कुछ नया अपने घर के बारे में आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।